Hello everyone, welcome back to our channel Kashmir Food Fusion. Click on the subscribe button here to subscribe to our channel and press the bell icon button to remain updated. आपको दिखाएंगे आप घर पे दूध दाल कैसे बना सकते हैं. ये वाजवान स्टाइल दाल होती है और ये दूध से बनती है, होल मिल्क से बनती है और ये आबगोश टाइप पे बनती है. सो आप देखिएगा ये वीडियो और आपको बहुत पसंद आएगा. इसका टेस्ट सिमिलर टू आबगोश होता है लेकिन इसमें दाल यूज़ की जाती है. वो हम दिखाएंगे इंग्रीडियंट्स में क्या यूज़ होता है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो हमने इसमें लिया है मसूर की दाल, इसको आप कहते हैं रेड लेंटिल. हमने लिया है येलो मूंग दाल, ये स्किंड लेंटिल होता है, येलो लेंटिल. और इनका हमने एक कप ईच लिया है, हर एक कप मसूर का एक कप, मूंग का एक कप. और हमने 700 ml दूध लिया है. सॉल्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग. हमने छोटी इलायची ग्रीन इलायची ली है, ग्रीन कार्डमम. हमने लिया है लौंग क्लोव्स. हमने लिया फेनल सीड पाउडर, सौंफ का पाउडर, गार्लिक, लहसुन. हमने लिया है जिंजर पाउडर, सौंठ. तड़का के लिए एक प्याज, लेकिन वाजवान में शैलट्स यूज होते हैं. और हमने लिया है घी. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द रेसिपी. सबसे पहले हम जो है हमने लिया है एक कप मूंग दाल और एक कप मसूर दाल का मिक्स करके उसको हम डालेंगे कंटेनर में और उसमें पानी ऐड कर देंगे. पानी कवर करने के बाद हमें इसको बॉईल करना है क्योंकि यूजुअली इसमें फिनिशिंग वगैरह के लिए कभी कुछ ऐड किया जाता है तो हमें उसको रिमूव करना है. इसको फ्रॉस्ट सा ऊपर आ जाएगा वो हम रिमूव करेंगे. इसलिए आप इनको वाटर ऐड करके बर्नर पर रखेंगे जब तक ना इसमें उबाल आएगा. देखिए लिड से कवर किया है और हम वेट करेंगे इसके उबाल आने का. ये देखिए आप ऊपर आ चुका है ये फ्रॉथ और ये हम सारा रिमूव करेंगे. ये देखिए आप, इससे सारी गंदगी वगैरह रिमूव हो जाती है. सो मेक श्योर आप ऐसे इसको पहले एक बॉईल लाएं और ये इसको रिमूव कर दें. अब जब ये रिमूव हो चुका होगा सारा, फिर इसमें आप डाल देंगे नमक एक या दो छोटी चम्मच. ये देखिए नमक डाल दिया हमने, टेस्ट अकॉर्डिंग आप डाल देंगे. और जो हमने गार्लिक था लहसुन उसको हमने फाइनली चॉप किया है और वो भी इसमें जाएगा. गार्लिक की क्लोव्स आप 7-8 ले सकते हैं. अब इसमें हम डाल देंगे मसाले. हम यहाँ पे ऐड करेंगे 2 छोटी चम्मच सौंफ का पाउडर. इसके बाद हम ऐड करेंगे 1/2 छोटी चम्मच जिंजर पाउडर, सौंठ. सात से आठ छोटी इलायची ग्रीन कार्डमम. छह से सात क्लोव्स लौंग, जिसको कश्मीरी में रोंग कहते हैं. अब थोड़ा सा और वाटर ऐड करके मिक्स करेंगे आप और हमें वेट करना है जब तक ना ये सॉफ्ट हो जाए. ये जो दाल है दोनों ये जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं, मगर अगर आप बस बिल्कुल टाइम नहीं है और आप ऐसे इनको नहीं कुक करना चाहते आप इनको प्रेशर कुकर में भी सॉफ्ट कर सकते हैं. लेकिन हमने इनको गैस पे रखा है बर्नर पे ऑन हाई फ्लेम एंड हम वेट करेंगे जब तक ना ये सॉफ्ट हो जाए, कुक हो जाए. यहाँ पे आप देखिए हम घी भी ऐड कर रहे हैं. घी के तकरीबन 1 छोटी चम्मच या 2 छोटी चम्मच आप ऐड कर सकते हैं और फिर आप इसको लिड से कवर करेंगे और वेट करेंगे कुक होने का, या आप प्रेशर कुकर में भी कर सकते हैं 1 या 2 विसल्स. तब तक हम तड़का प्रिपेयर करेंगे. उसके लिए ऑयल जब बहुत हॉट हो चुका होगा पैन में आप 1 या 2 प्याज ऐड करेंगे घर पे. अगर आपके पास प्रान या शैलट से वही ऐड कीजिएगा प्रेफरेबली, क्योंकि वाजवान में प्रान ही ऐड होता है, प्रान का पेस्ट. उससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है. अगर आपके पास और एक ऑप्शन होता है प्याज का अगर नहीं है प्रान, तो यहाँ पे हमने 2 प्याज काट के 2 छोटे प्याज या 1 लार्ज आप डाल दीजिएगा अनियन. उसको अच्छे फाइनली चॉप करके आप इसको फ्राई करेंगे गोल्डन ब्राउन. और फिर गोल्डन ब्राउन होने के बाद ये देखिए आप इसको यहाँ पे पेस्ट भी बना सकते हैं, लेकिन हम इसी तरीके से ऐड करेंगे. अब दाल का हम लिड रिमूव करेंगे और हम चेक करेंगे ये सॉफ्ट हो गई है. और इसमें हम ऐड कर देंगे तड़का अलॉन्ग विद द ऑयल. ये बहुत ही इजी रेसिपी है एंड इट डजंट टेक मच टाइम. सारे इंग्रेडिएंट्स आप ऐड कर देते हैं एक ही पैन में एंड यू वेट फॉर द दाल.
जब तक वो कुक हो जाती है। ये देखिए हमने प्याज डाल दिए इसमें तड़का के लिए ऑयल के साथ। अच्छे से मिक्स करेंगे सारे इंग्रेडिएंट्स को और फिर से लिड कवर करेंगे, वेट करेंगे जब तक ना दाल जो है वो सॉफ्ट हो जाए, ब्रेक हो जाए आपके हैंड्स के बीच में। हे यू कैन सी वाटर काफ़ी हद तक रिड्यूस हो चुका है। यहाँ पे आप चेक करेंगे अगर आपकी दाल सॉफ्ट हो गई होगी देन वी विल गो टू द नेक्स्ट स्टेप, अदरवाइज यू कैन कवर इट विद द लिड और फिर से वेट कर सकते हैं सॉफ्ट होने के लिए। और लाइक आई सेड आप ये प्रेशर कुकर में भी दो विसल्स के बाद ओपन करिएगा। अब हम फिर से चेक करेंगे आफ्टर सम टाइम एंड आप फिर से आप देख सकते हैं कितना रिड्यूस हो चुका है वाटर और लग रहा है कि दाल कुक हो चुकी है। सो इसको फिर से ब्रेक करेंगे एंड चेक करेंगे, ये देखिए सॉफ्ट हो चुकी है। सो इसको हम बर्नर से नीचे रखेंगे और इसको थोड़ा ठंडा होने का वेट करेंगे जब तक ना हम दूध प्रिपेयर करें। अब आप पैन लेंगे और एक और उसमें दूध ऐड कर देंगे, मिल्क 700 ml हमने लिया था यहाँ पे, और इसके उबाल आने का वेट करेंगे हम। सो यहाँ पे हम इसको ऑन हाई फ्लेम रखेंगे और वेट करेंगे जब तक ना ये बॉयल हो। इन बिटवीन आप इसको स्टर करिएगा सो दैट ये पैन पे स्टिक ना करे बॉटम पे मिल्क। देखिए आप हम वेट करेंगे इसके बॉयल होने का। दूध में उबाल आ चुका है एंड ये अब जाएगा दाल जो अभी प्रिपेयर हो चुकी थी उसमें। ये देखिए आप ये थोड़ी सी ठंडी हो चुकी है और इसमें हम ऐड कर देंगे अब दूध। आपको ये जो डिश है आप ये एक दो दिन तक नहीं पका के रख सकते हैं, यू शुड मेक इट ऑन द सेम डे, जिस दिन आपको खाना होगा उसी दिन बना के आपको कंज्यूम भी करना चाहिए प्रेफरेबली, क्योंकि ये जो दूध पे डिशेस बनती है वो जल्दी स्पॉयल हो जाती है। जैसे कि आप गोश्त वगैरह है वैसे ही ये भी जल्दी स्पॉयल हो जाएगा। मैक्सिमम आप ये एक दिन में ही कंज्यूम कीजिएगा। ये देखिए इसको मिक्स किया, आप इसको फिर से उबाल लाएंगे दूध के साथ ताकि फिर से फ्लेवर जो है वो इन्फ्यूज़ हो जाए दूध में भी। ये देखिए आप दूध ऐड किया है इसमें, अब बर्नर पे रखेंगे और इसको फिर से उबाल लाएंगे लिड कवर करके। तो अगर आप लिड ओपन रखेंगे तो फिर आपको इसको इन बिटवीन स्टर करना है और वेट करना है कि करी और थोड़ी रिड्यूस हो। ये देखिए ये उबल रहा है इसमें अब और आपकी जो दाल है तैयार है। ये हॉट ही खाई जाती है विद स्टीम्ड राइस और आप रोटी के साथ भी खा सकते हैं लेकिन राइस के साथ ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। आप ज़रूर ये रेसिपी घर पे ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही फ्लेवरफुल बन जाती है, हेल्दी भी है, न्यूट्रिशियस भी है एंड आई एम श्योर आपके घर पे अगर बच्चे वगैरह है जो ज़्यादा स्पाइसी खाना नहीं पसंद करते हैं वो ये काफ़ी इन्जॉय करेंगे। आप ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा, नीचे कॉमेंट्स में लिखिएगा कैसा पसंद आया आपको एंड मेक श्योर आप ये दो तीन दिन तक नहीं बना के रखेंगे, ईट इट द वेरी सेम डे क्योंकि ये जल्दी स्पॉयल हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इस वीडियो को ज़रूर एंड पे थम्सअप कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ।